हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबर पर। मेरा नाम है साक्षी सेंगर। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम रेनल सिस्टम भी बोलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ऑफ एक्सक्रीशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। जो मेन पर्पस है यूरिनरी सिस्टम का, वो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। अगर हम किडनी के फंक्शन की बात करें, तो इसका काम होता है यूरिन को प्रोड्यूस और सीक्रेट करना। नेक्स्ट वी हैव 2 यूरेटर्स। यूरेटर्स का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट वी हैव यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन होता है यूरिन को स्टोर करना। एंड लास्ट वी हैव यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का फंक्शन होता है यूरिन को एक्सटर्नल एनवायरमेंट में पास करना। यूरेथ्रा के पास 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री नेचर का होता है एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री नेचर का होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किडनी। किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये हमारे लास्ट थोरेसिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। लेंथ ऑफ द किडनी इज 10-12 सेंटीमीटर। वेट ऑफ द किडनी इज 120-170 ग्राम। थिकनेस ऑफ द किडनी इज 2-3 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ द किडनी इज 5-7 सेंटीमीटर। किडनी के इनर कॉनकेव सरफेस के सेंटर पे एक नॉच प्रेजेंट होता है, जिसको हम हाइलम बोलते हैं, और इस हाइलम से ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर एंड एग्जिट करती हैं। इनर टू द हाइलम एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम रेनल पेल्विस बोलते हैं। किडनी की आउटर लेयर एक टफ कैप्सूल से कवर्ड होती है। किडनी के अंदर 2 जोन प्रेजेंट होती हैं, आउटर जोन एंड इनर जोन। आउटर जोन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं एंड इनर जोन को हम मेड्यूला बोलते हैं। कॉलम ऑफ बर्टिनी प्रेजेंट होता है मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में। एंड दैट मेड्यूला इज डिवाइडेड इंटू फ्यू कॉनिकल मासेज विच इज़ कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड, जो कि प्रोजेक्ट करता है कैलिसिस में। नाउ हम बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि हमारी किडनी से निकलता है और ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस हार्मोन देन स्टिमुलेट द बोन मैरो विच इन टर्न मेक्स मोर रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ रेनिन। रेनिन इज अ प्रोटीन एंड अ एंजाइम दैट इज सीक्रेटेड बाय द किडनी। रेनिन बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। द थर्ड इज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फोर्थ वन इज मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। एक्चुअली कितना पानी और सोडियम हमारे यूरिन में लॉस होना चाहिए, ये हमारी किडनी रेगुलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ज़्यादा पानी या फिर सोडियम को इंजेस्ट करेंगे, तो किडनी नॉर्मली और ऑटोमेटिकली ज़्यादा वाटर एंड सोडियम को एक्सक्रीट करेगी और इस तरह से हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन्ड रहेगा। फिफ्थ इज हेल्प इन पीएच रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। किडनी हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करती है एंड जनरेट करती है बाइकार्बोनेट आयन, जो कि मेंटेन करता है हमारे प्लाज्मा का पीएच विद इन द नॉर्मल रेंज। सो फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूरिनरी सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।